भारतीय मौसम विभाग ने साल के पहले चक्रवाती तूफान को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अरब सागर की मौसमी गतिविधियों में उथल पुथल मची हुई है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से चक्रवाती तूफान का जन्म होने वाला है। विभाग ने आशंका जताई है कि पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा और यह गुजरात और आसपास के इलाकों को प्रभावित करेगा। इस तूफान का नाम तोकते है। यह नाम पड़ोसी मुल्क म्यांमार ने रखा है, जिसका अर्थ है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। चक्रवाती तूफान के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की आशंका है। यह लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है, इसलिए विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि 14 से 16 मई के बीच केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार तूफान संभवतः 20 मई को कच्छ क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिण पाकिस्तान का रुख कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह गुजरात के तटीय इलाकों में 17 या 18 मई तक पहुँचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के कारण लक्षद्वीप, मालदीव में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लोगों को आंधी तूफान का सामना करना पड़ सकता है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।